आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रिहान तारे के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है हजारों जानों की कुर्बानियां, फिर भी लहू लहू क्यों है गलियां, सियासी गैर यकीनी, नेशनल डायलॉग कितना जरूरी, महंगाई बेकाबू, वजीर आजम का फिर नोटिस, बोहरान काबू कैसे आएगा, कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक होगी, कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 73 साल मुकम्मल, खामोशी कब तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज एक बार फिर हम दुश्मनों ने कौम के दिल पर वार किया है। आज फूलों के शहर पेशावर में दूसरी मर्तबा फूलों पर वार किया गया है। दीनी तालीम के हुसूल के लिए मस्जिद में मौजूद 1000 से ज्यादा अफराद को टारगेट किया गया। हमले में 8 अफराद शहीद हुए हैं जबकि 112 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। पेशावर जो कि फूलों का शहर कहलाता है, जिस शहर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान अपने दर्जनों नन्ही कलियों को कुर्बान किया है, इस शहर के वासियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान सबसे ज्यादा जानें अपने मुल्क पर कुर्बान की हैं। इन्हीं कुर्बानियों का ही नतीजा था कि मुल्क ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाबी के साथ जीती और पाकिस्तान पहले जैसा पुरन और महफूज हो गया। साने APS आज भी इस शहर के वासियों और पूरी कौम के लिए एक दर्दनाक याद है। इस आने के बाद ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब का आगाज हुआ। सियासी और अस्करी क़यादत एक ही सफ़े पर खड़ी हुई। कौमी मफावत और यगानगत का मुजाहरा किया गया कोयटा से पेशावर और कराची से पारा चिनार तक, लाहौर जैसे बड़े शहर से लेकर वजीरिस्तान के पहाड़ों तक। जिस मुल्क में अनदेखा दुश्मन खून की नदियां बहा रहा था, उसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढूंढ निकाला, चुन चुन कर उनका खात्मा किया गया। इस सारे असना के दौरान इस कौम ने 80,000 जाने कुर्बान की, 11,000 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाया। इस मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी खत्म हो गई थी, सियासी सरगर्मियां जारी रखना मुश्किल दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी कौम ने, अस्करी और सियासी क़यादत ने, सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर आम आदमी तक, सभी ने इस मुल्क को महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया और मुल्क में अमन कायम हुआ। लेकिन अब एक बार फिर मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। दुश्मन जहां हमारी सरहदों पर हमले कर रहा है, वहीं हमारे शहरों को भी खून में नहलाने की साजिश रचाई जा रही है। एक दिन में 20 के करीब हमारी पाक अफवाज के जवान शहीद हुए हैं। कराची में बम धमाका हुआ, फिर कोयटा में पुरम शहरियों को निशाना बनाया गया और आज दुश्मन ने दीनी मदरसे में बम धमाका कर दिया। धमाके के वक्त मस्जिद में दरसे हदीस जारी था। जानी और माली नुकसान के बाद मदरसे के तलबा और मौलिम ने हौसले का मुजाहरा किया और फिर से अपनी सरगर्मियों का आगाज किया। फिर दोबारा से जिंदगी लौटती हुई दिखाई दी। अब दुश्मनों के लिए वाज़े पैगाम था कि पाकिस्तानी कौम उनके ओछे हथकंडों से घबराने वाली नहीं है। वो किस तरह पैगाम दे रहे थे, सारे अस्ता में क्या देखा गया, वो मनाजर आपके सामने रखता है। السلام عليكم ورحمة الله جي سيب جوري الحمد لله خير طبيعت خدا شيخ سيب مبارك ده روح جور ده الحمد لله خا تيك تاك ده الحمد لله تيك تاك سيب مخبر ورطوك جي جي سيب خير جوري علم خوشالك خير خير ده الحمد لله زي خيم दहशतगर्दी के इस वाक़े के बाद वज़ीर आज़म, अपोजिशन रहनुमाओं और हुकूमती वज़रा ने शदीद अल्फाज़ में मज़म्मत की है, जबकि पुलिस सरबरा ने अनोखा बयान जारी करते हुए मुतासरीन के जख्मों पर नमक पाशी की है। IG पुलिस के मुताबिक धमाके का खतरा पहले से मौजूद था, मगर ये एक मामूली वाक़या था। IGKP किस तरह से इसको एक मामूली बता रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आप देख लीजिए। PG की रिपोर्ट यही बता रही है कि 5 से 6 किलोग्राम थे बारूद, बाकी तो ज़्यादा आपको डिटेल पता चली होगी। होपफुली हम मुलजमों को पकड़ लेंगे और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। बाकी ये छोटे मोटे हो जाते हैं वाक़यात, लेकिन होने नहीं चाहिए। अब एक ऐसा वाकया जिसमें 8 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं, 120 अफराद जख्मी हैं, IG पुलिस इस वाकये को मामूली करार दे रहे हैं। पेशावर पुलिस के मुताबिक धमाके में 5.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। पुलिस तस्लीम करती है कि धमाका खेज मवाद की तैयारी इतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में की गई थी, मगर सवाल फिर उठता है कि दहशतगर्दों ने रैकी के बगैर मनसूबाबंदी किए बिना इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया। पुलिस ये भी कहती है कि एक टारगेटेड कार्रवाई थी, तो फिर सवाल उठता है कि हमलावर अपने टारगेट तक पहुंचे कैसे। क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू होने वाली है। नेक्टा की इतलात के बावजूद हमलावर कामयाब कैसे हुए, नेक्टा की इतलात पर पुलिस करने में नाकाम क्यों हुई, ये तमाम तर सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। इन सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वक्त साबिक सरबरा नेक्टा ख्वाजा खालिद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा खालिद फारूक साहब आपके वक्त के लिए। और सब इसमें कोई दो राय नहीं है कि दहशतगर्दी के मुकाबले में हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, सिक्योरिटी जवानों ने और फिर सिविलियंस ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और इस वक्त यकीनन एक वो वक्त भी आया कि जब हमने मुकम्मल तौर पर इस पर काबू भी पाया, ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के समरात भी सामने आए, लेकिन दहशतगर्दी की खालिया लहर दिखाई दे रही है मुल्क के अंदर। पहले कोयटा में धमाका हुआ, उसके बाद आज पेशावर में जो कुछ हुआ है, इस हालिया दहशतगर्दी की लहर के पीछे कौन हो सकता है ख्वाजा साहब?
देखिए रियान साहब, बात यह है कि ये दहशतगर्दी का जो है वो कई रीजंस, कई फोर्सेस जो हैं वो इसके पीछे काम कर रही हैं। और शुरू में जो था तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी, और फिर उसके बाद वो मेन जो रोल जो प्ले कर रहे थे, फिर इसमें दाइश का जो है आइसिस है वो भी काफ़ी एक्टिव हो गई। फिर पाकिस्तान के अंदर को पार्टीज थी, वो कुछ सुबह बलूचिस्तान के हवाले से, कुछ सिंध के हवाले से, कुछ पंजाब के हवाले से, पंजाबी तालिबान थे, तहरीक एल ए जी जो थी, लश्कर जंग भी, इस तरह मुख्तलिफ पार्टीज ऑपरेट कर रही थी। तो ये जितने जो मेजर आर्मी ने ख़ासतौर पर जो ऑपरेशन किए उसमें काफ़ी अच्छा उसको काबू पाया, और उसमें काफ़ी दहशतगर्दी जैसे आपने कहा कि बेहतरी आई, कम आए, मतलब कम हुए। अब उसके बाद जो है ये नेशनल एक्शन प्लान भी बना। अब उसके बाद ये जब आर्मी के स्कूल में, वहाँ कुछ बच्चों के स्कूल में जब अटैक किया गया, तो उसमें वो सारा वो काफ़ी 150 के करीब बच्चे शहीद हुए। तो फिर ये सारे इकट्ठे रियलाइज़ किया कि ये तो एज ए पॉलिसी हमें इसको कन्फ्रंट करना है, उसका सदबाव करना है। और फिर ये तमाम जमातों ने मिलके और जो हमारे जो स्पेशलिस्ट थे उसमें नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। देखिए इस वक्त ना सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर हमारे जो सिक्योरिटी जवान हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, उन्हें अटैक किया जा रहा है, बल्कि हमारे बड़े शहरों तक ये दहशतगर्दी आ गई है। जैसे कोयटा में हुआ, अगर उसकी नेचर देखी जाए, अगर पेशावर के आज के इस धमाके की बात की जाए तो बड़ा टारगेटेड अप्रोच दिखाई देती है। अगर पहले के साथ इसका एक कंपेरिजन ड्रॉ किया जाए तो पहले कोई दहशतगर्द तंजीम इसकी जिम्मेदारी कबूल किया करती थी, लेकिन इस तरह की कोई बात भी सामने नहीं आ रही है। तो इस तरह के टारगेटेड ऑपरेशंस आपके ख्याल में कौन कर सकता है? बराह रास्त आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? मैं उसी तरफ आ रहा था कि उसमें जो खत्ते की जो सूरत हाल है उसके आप नतीजा कंक्लूड कर सकते हैं कि उसमें बताहर बगैर एविडेंस के जब तक क्लियर ना हो हमें क्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन शबाइश जिस तरफ हमें लीड कर रहे हैं, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि उसमें जो है वो तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान के अलावा जो उनके ग्रुप्स इकट्ठे हुए हैं, फिर बलूचिस्तान और सिंध के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं या अलहदगी पसंद हैं, उनमें यूनिटी आई है। इसके पीछे कौन है? उसके पीछे जो है पीछे डॉक्टर मुईज़ यूसुफ जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने तो सीधा बताया, क्लेम किया है कि जी इसमें जो है इंडियन मनी इन्वॉल्व है और इंडियन फोर्स इंडिया उसके बैक में ये कर रहा है। और इसमें फिर रिसेंटली इसमें जो है अजीत दोवल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हिंदुस्तान का है, उसकी जो शुरू में भी उसने डिफेंसिव ऑफेंसिव जो था स्ट्रेटजी दी, अब एक्सप्लेन की थी, और अब दो दिन पहले उसने बयान में कहा है कि जो इंडिया के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होगा हम उस जो मुल्क करेगा हम उसके घर में जाके भी उसके एरिया में हम ऑपरेट करें। तो ये चीज़ें तो बड़े वादे चीज़ें नज़र आ रही है कि ये देखे ना, एक तरफ तो फेडएफ की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए बरसरे पैकार है वैसियत कौम, दूसरी तरफ इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाना, माना कि एक तरफ काउंटर टैरिफ फाइनेंसिंग की अप्रोचेस हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कैंपेन्स चल रही हैं, लेकिन जिस लिए ये फाइनेंस रोका जाना है वो तो अल्टीमेटली जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगर फिर से होती हैं तो हमारे लिए कितना चैलेंजिंग हो जाएगा सर? देखिए ये तो यकीनी तौर पर ये एक जो है वो चैलेंजेस तो ये होते हैं, और लेकिन जब ये एक्सटर्नल फोर्सेस भी ऑपरेट कर रहे हो और आपका कुछ 2500 किलोमीटर के हवाले से बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलता हो, और अब अफगानिस्तान में आपको जो है आपको काफ़ी हद तक जो है मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ लोगों की अमलदारी है, और उधर से कश्मीर के हवाले से इंडिया का जो प्रेशर पड़ रहा है, तो ये काउंटर बैच एक स्ट्रेटजी होती है जाके अगले को परेशान किया जाए और डाइवर्ट की जाए। ये पीस प्रोसेस इंडिया को सूट नहीं करता है। अफगानिस्तान की हुकूमत को जब ये अगर पीस प्रोसेस सही तरह हो जाए तो उनको पता है उनसे इक्तदार में काफ़ी जो है शराकत दार जो भी फाइनली उसका रिजल्ट आए उसमें तालिबान भी उसमें आ जाएंगे डेफिनेटली, तो उनकी वो पर्क्स बेनिफिट जो इन्जॉय मौजूदा हुकूमत कर रही है वो उसमें ही फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर आपको इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, ये आपको जहन में रखने पड़ेंगे। अब हमने कई महाज पर ये फाइट करनी है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इसमें पुलिस के हवाले से जो है हमारी जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन है, सी टी डीज़ हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम सूबों के अच्छे उनके अपने रिसोर्सेज हैं।
हमें इनको एक्टिवेट करना चाहिए कि वो आपस में कोऑर्डिनेशन उनकी बढ़नी चाहिए। जो असला जहाँ से मिले इसका भी फॉरेंसिक कराया जाए, क्योंकि एक एरिया का फॉरेंसिक दूसरे एरिया में भी इस्तेमाल होता है। हर टाइप का असला जो है मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे इन्वेस्टिगेशन में बड़ी हेल्प मिलती है। तो फिर मसलन खारजा महाज है, दूसरा हमारा दाखिली महाज है। यकीनन जब दाखिली महाज पर हम कहीं कमज़ोर होते हैं तो दुश्मन हमें अटैक करता है और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक वैक्यूम मिल जाता है कि बासानी इस हदफ को निशाना बनाया जाए। आपको क्या लगता है कि इंटरनली वो कौन से लूप होल्स हैं जिसको दुश्मन एक्सप्लॉइट कर रहा है या कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और फिर हमारी काउंटर स्ट्रैटेजी इससे फाइट करने के लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, अंदरूनी तौर पर जो है ना स्लीपर सेल हैं, अंदरूनी तौर पर लोग जो हैं वो ऐसे ग्रुप्स जिनके साथ जिसको फंडिंग की जाती है वो आइडेंटिफाई करने चाहिए। और जब ये दूसरा, मैं उसको लिंक तो नहीं करता लेकिन मैं समझता हूँ इसके इम्पैक्ट जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी पर यकीनी तौर पर आता है कि जब आप ये काफ़ी जो पॉलिटिकल अपोजिशन की तरह पार्टीज की तरह जो मूवमेंट हो रही है एज पर देयर क्लेम फॉर डेमोक्रेसी, तो सिक्योरिटी फोर्स की अटेंशन उधर डाइवर्ट हो जाती है, फ़र्क उधर पड़ जाता है, प्रायोरिटीज़ में वो आ जाता है। तो वहाँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर तो उसमें शामिल हो रहे होते हैं, तो वो इधर आपके गार्ड थोड़ा स्लो हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। और उसके बाद वैसे भी जनरली जबकि काफ़ी हद तक मसलन जब ये दहशतगर्दी पर काबू पाया गया उसके बाद हमारे गार्ड्स एक्चुअली हमने अपनी सिक्योरिटी जो थी वो लूज़ की है, हमने ज़रा रिलैक्स हुए हैं कि जी अब तो हालात बेहतर हैं। और हर मस्जिद पे, हर इमामबाड़े पे, जो भी मदरसा पे सिक्योरिटी फोर्सेस होती थी या उनके अपने बंदोबस्त, क्योंकि पुलिस तो इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, वो इतने हज़ारों की तादाद में मस्जिद हैं या इमामबाड़े या जितने भी हैं, तो वो जो था वो अब इसमें भी जो ये पेशावर में जो हुआ है इसमें भी रिपोर्टेडली सिक्योरिटी उनकी अपनी भी नहीं थी। तो ये उसमें आप जब आप ये चीज़ें देखेंगे तो इसमें ये चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है, इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है, तमाम इंटेलिजेंस, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक सरबरा नेक्टा ख्वाजा खालिद फारूक हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है। इल्जामात की सियासत उरूज पर है। सियासी मुखालिफिन की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। माजी में जब जब ऐसे वाकयात रूनुमा हुए सारी कौम ने यकजान होकर इनका मुकाबला किया। यकीनन ऐसे मामला दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का मुकाबला मुतहद होकर ही किया जा सकता है, और इसमें सबसे अहम किरदार हुकूमत और कायदे ऐवान का होता है। कायदे ऐवान सियासी क़यादत को साथ मिलाकर कौमी इत्तेफाक की राय पैदा करता है, हमाहंगी पैदा की जाती है। हुकूमत सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक जुबान होती है, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ इसके बरक्स होता है। कायदे ऐवान तो दरकिनार, हुकूमती वुजरा भी मुसलसल सियासी माहौल को खराब करने की कोशिश दिखाई देता है। दिसंबर जनवरी 31 तक ये सारे लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है ये जेल की रौनकें बढ़ाएंगे, ये जेल का खाम माल है। ये जेल में इंशाअल्लाह ताला एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, दस केसेस के कौम को इन्होंने किस तरह लूटा और सब कौम के सामने बेनकाब होंगे। एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये ना हो खानजादा साहब आपके प्रोग्राम के बाद लोग कह दें कि उसने तो बिफोर टाइम कह दिया था। एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि बात बढ़ गई है, पंजाबी में कहते हैं ना गल बढ़ गई है, सो बात अब बढ़ गई है, अब ये डायलॉग से आगे चली गई है और डायलॉग से भी काफ़ी आगे चाल चल गई है। जो एक ब्रिज का किरदार अदा करने का वक्त था वो भी ख़त्म हो चुका है। सो मैं जो 31 दिसंबर से 20 फरवरी देता था मैं नवंबर को ही अहम करार देता हूं और 20 फरवरी की बजाय 20 जनवरी पे आ जाता हूं कि ये हालात जो हैं ये इस तरह अब नहीं चल सकते, इसने किसी तरफ ज़रूर लगना है। वफाकी वज़ीर रेलवेज़ हुकूमत के अहम वज़ीर हैं शेख रशीद साहब, क्या कहते हैं उसकी एक झलक आपने देखी। कौमी असम्बली और सेनेट को मुकद्दस ऐवान का दर्जा हासिल है, ऐवान का तकद्दस बहाल करना भी ज़रूरी होता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने माजी में बतौर अपोजिशन ऐवान को अहमियत दी है और ना ही उन्होंने नेशनल डायलॉग के आगाज़ के लिए इस ऐवान को इस्तेमाल किया है। कौमी असम्बली में इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को गद्दारी के सर्टिफिकेट्स तकसीम करने में मसरूफ हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ हुकूमती और अपोजिशन लीडर्स के माबैन इस मामले पर खूब गर्मा गर्मी भी देखी गई। हुकूमत के अहम वजीर, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, जो एक सीजनड पॉलिटिशियन है, वो साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ के साथ किस तरह आमने सामने दिखाई दिए, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। इनफेक्टिव डिसफंक्शनल हाउस है इस वक्त जनाब स्पीकर, आपको तो लेजिस्लेशन के लिए भी सिलेक्टर्स की जी मदद की जरूरत होती है। आइन खतरे में है, कानून खतरे में है, बिकॉज इनका लीडर ये जो बोल रहे हैं
उदे पल्ले ही कुछ नहीं है। ये लोग उसके कंट्रोल में नहीं है। दर्जनों जो है वो हमारे साथ राबता कर रहे हैं। आज ये जमहूरियत के अलंबरदार बने हुए हैं। मोहतरम ख्वाजा साहब ने फैटफ का ताना दिया और फैटफ में तो तुम्हारी हुकूमत लेकर गई थी। नून के दौर में पाकिस्तान को फैटफ में धकेला गया। ताने हमें दे रहे हैं। हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? यही दावा था बजट पे। बजट पास हुआ। पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है? हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है? पाकिस्तान के मफादात को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? बलूचिस्तान में खड़े होकर इनके प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान की आजादी के नारे लगे, शर्म आनी चाहिए। अब इस वक्त ऑपोजिशन जमातें मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दाना कार्रवाईयों का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे रही है। धमाके के बाद नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने एक ट्वीट की। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद से जिस दहशतगर्दी की कमर टूटी थी, उसी दहशतगर्दी ने आज मुसल्लत शुदा ना अहली की वजह से एक बार फिर सर उठाया। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं, मुल्क के जिम्मेदारों की तवज्जो अपनी जिम्मेदारियों की बजाय ऑपोजिशन को दबाने पर मरकूज हो तो मुल्क दुश्मनों की तवज्जो मुल्क का अमन बर्बाद करने पर होती है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान और एहसन इकबाल ने भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफे का जिम्मेदार ठहराया। इस वक्त ऑपोजिशन किस तरह तमाम तर मलबा हुकूमत पर डाल रही है वो भी आपको दिखाते हैं। पेशावर में जो धमाका हुआ है वो भी बहुत काबिले मुजम्मत है और ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के मैदान में भी बुरी तरह नाकाम हो रही है। हमने दहशतगर्दी का जिन बोतल में बंद कर दिया था और अब फिर ये दहशतगर्दी मुंह उठा रही है। आज पेशावर में होने वाले इंतहाई अफसोसनाक और अंदोखनाक वाक़े पर शदीद अल्फाज में जहाँ मैं अफसोस का इजहार कर रहा हूँ वहाँ उसके पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। साथ ही मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हकूमत और हकूमती इदारे अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो मैं तमाम दीनी मदारस से अपील करता हूँ कि वो अपने मदरसे और अपने मदरसे के अंदर पढ़ने और पढ़ाने वालों की सिक्योरिटी का इंतजाम खुद करे। अब ऑपोजिशन जमातों के बयानिए के जवाब में हुकूमत ने भी मुतबादल बयानिए के तौर पर ऑपोजिशन को सारी दहशतगर्दी का जिम्मेदार ठहराया। मावर खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने मरियम नवाज की ट्वीट के जवाब में लिखा कि अपने छोटे से फायदे के लिए आप लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। आपका और हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कराने वालों का एक ही बयानिया है, सब पता है कौन अपने टके बचाने के लिए मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है। शहबाज गिल साहब अपनी ट्वीट में कह रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम अंदर और बाहर मौजूद दहशतगर्दों और माशी दहशतगर्द दोनों को शिकस्त देगी। यकीनन इस वक्त मुल्क किसी भी सियासी गैर यकीनी और अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। मुल्क की मौजूदा बिगड़ती सूरत हाल इस बात का तकाजा करती है कि तमाम फरीक होश के नाखून लेते हुए एक नेशनल डायलॉग का अहतमाम करें और बहरान का मुतफ़िका और काबिले कबूल हल तलाश करें ताकि मुल्क को इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकाला जा सके। लेकिन इसकी इब्तदा खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को करना होगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वज़ीर आज़म या उनकी हुकूमत नेशनल डायलॉग का रास्ता इख्तियार कर पाएगी? गद्दारी के फतवों में नेशनल डायलॉग कितना ज़रूरी है ये सवाल भी अहम है कि क्या सियासी माहौल में सियासी जमातों को एक सफ़े पर इकट्ठा किया जा सकता है? कंसेंसस डेवलप नेशनल डायलॉग के लिए साजगार माहौल बनाने से कासिर क्यों दिखाई दे रहे हैं इस वक्त तमाम तर जमातें? सबसे आम सवाल तो ये भी है कि क्या हुकूमत के पास सियासी कशीदगी कम कराने का कोई दूसरा रास्ता मौजूद है? इन तमाम तर सवालों पर बात करेंगे इस वक्त सीनियर साफी तजियाकार सलीम बुखारी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। सर, ऑल्दो यू आर वेल इन्फॉर्म्ड बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन और खासतौर पर वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद और कुछ वजरा ये बार बार कह रहे थे कि मुल्क में दहशतगर्दी का खदशा मौजूद है और खासतौर पर अपोजिशन की जो ये जो एहतजाजी रैलियाँ जलसे और ये सब कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपने कोयटा में देखा क्या हुआ, पेशावर में क्या हुआ, इसके पीछे कौन है सर? ये बहुत अहम सवाल है। हमारे जो वज़रा हैं वो इस तरफ तो इशारे कर रहे हैं कि गालिबन ये सारा पीडीएम जो है उसकी रैलीज जो हुई हैं गुजरांवाला में, कराची में और फिर कोयटा में, उसकी वजह से ये सारा कुछ है। ऐसा नहीं है। ये अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे मशरक़ और मगरब दोनों में ही हमारे एक कई लिहाज से दुश्मन बैठे हुए हैं। अगर अफगानिस्तान की हुकूमत वहाँ के लोग हमारे दुश्मन नहीं है तो वहाँ पर एक इलाके ऐसे हैं जिसमें हमारे खिलाफ काम हो रहा है। मैं थोड़ा सा रिकॉल करूँगा अगर आप इजाज़त दें कि पहले वहाँ पर 18 इंडियन काउंसिल खाने खुल गए हमारे पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के साथ, जबकि वहाँ कोई पॉपुलेशन हिंदू नहीं है, जबकि दोनों मुल्कों के बॉर्डर नहीं मिलते हैं। 18 ये वो बेसिकली सेंटर्स थे जहाँ से फंडिंग की जाती थी उन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को, और फिर ये सारा कुछ स्विच ओवर हो जाता था स्पिन बॉल तक के इलाके में, जो हिंदुस्तान का ऐसा इलाका है जहाँ पर जितने भी बलोच फरारी कैंप्स हैं,
जो जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है इन तमाम इनको आप स्लीपर सेल्स भी कह सकते हैं कि जो स्लीपर सेल्स हमारे मुल्क में है, ये वहाँ बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर है, हमारे सबर्बन एरिया से। हाँ, ये उनके यहाँ स्पिन बॉलर में ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर मुसाद, एनडीएस और रॉ, ये तीनों एजेंसियाँ कोलेबरेट करती हैं एक दूसरे के साथ पाकिस्तान को तबाह करने के हवाले से। दो तीन हवाले और मैं देना चाहता हूँ आपको, कलभूषण से शुरू कर लेते हैं बात। वो पाकिस्तान आए थे सी पैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए और वो रखे गए थे, असाइन किए गए थे अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने एक सेल बनाया है अपने मुल्क में जिसका टाइटल है डिस्ट्रॉय सी पैक, और $1 बिलियन की का फंड है उसके पास ये सारा कुछ अरेंज करने के लिए। तो स्पिन बॉलर से जो साजिशें शुरू होती हैं वो फिर बॉर्डर क्रॉस करके, इसीलिए पाकिस्तान को फेंसिंग के ऑप्शन पर जाना पड़ा। तो फेंसिंग से नतीजे तो बहुत अच्छे निकले हैं लेकिन अभी पूरा बॉर्डर फेंस नहीं हुआ है। तो ये ट्रेनिंग वहाँ पर जो होती है इन तीनों इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज की, उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर वो देखिए मुखर साहब, लेकिन हमारी जो दाखिली सूरत हाल है, अगर दाखिली कमजोरियाँ होंगी तो वो राह हमवार कर देंगी कि बैरूनी दुश्मन जो है हम पर हमलावर हो। आपको नहीं लगता कि अपोजिशन जो कुछ कर रही है, आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 126 रोज़ का धरना था, उन दिनों चीनी सदर ने मुल्क का दौरा करना था, वो नहीं आ सके थे और उस वक्त की हुकूमत ये कहती थी कि अपोजिशन सी पैक को मुतनाज़े बना रही है, ये सी पैक के रामे रोड़े अटका रही है, यही बात आप ये कह रहे हैं कि सी पैक के लिए उन्होंने एक सेल बना रखा है। तो आपको लगता है कि इससे जो सी पैक का कॉज है वो मुतासर हो सकता है और अपोजिशन को थोड़ा सा आप पीछे हटना चाहिए वो जो कुछ कर रहा है? देखिए, मैं इसको अपोजिशन की तरफ ले जाने की बजाय मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करके बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या, क्योंकि हमारी हमें आखिरी सूरत हाल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं उस तरफ आता हूँ। थोड़ा सा रिकॉल अगर मुझे इजाज़त दें, हमने हमारी मुसल्लह अफवाज ने दो ऑपरेशन किए, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद। तो यूँ लगा कि ये शायद अब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पाकिस्तान की सरजमीन से हट गई हैं, लेकिन उसके बाद ये हुआ जैसा मैंने कहा, नाम स्पिन बॉलदे का आप याद रखिए, आपको ये बहुत हवाले देने पड़ेंगे इसके। उस जगह पर जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उन्होंने इस मामले को फिर से रीएक्टिवेट किया है। जो अपोजिशन कर रही है वो कल इमरान खान साहब ने खुद किया था, अगर आपको याद हो, धरना तो छोड़ दीजिए ना, बाकी जो शहरों में बड़े बड़े जुलूस होते थे उस वक्त भी इसी तरह से सिक्योरिटी अलर्ट आते थे उसमें तो ये तो एक्शन रिपीट है। अच्छा, फिर आपको याद होगा खान साहब ने ट्वीट किया करते थे कि जब नवाज हुकूमत खतरे में होती है तो उस वक्त दहशतगर्दी की को कार्रवाई हो जाती है, उस वक्त खान साहब अपोजिशन में थे, आज खान साहब हुकूमत में है, मुल्क के वजीर आजम, और वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी या फिर पीडीएम जो कुछ कर रही है वो भारतीय इसराइली एजेंडे की। एक बात और भी वो कहा करते थे कि ये बॉर्डर के ऊपर जो वायलेशंस होती हैं सीज़ फायर की, ये भी सिर्फ नवाज शरीफ को सपोर्ट करने के लिए जो है इंडिया करता है, तो अब किसके लिए कर रहा है वो? अभी भी तो वो उसी तरह से हॉट है बॉर्डर, हर रोज़ हम सुनते हैं कि वहाँ पर वायलेशंस हुई हुई हैं। मैं आपकी इस बात पर आ जाता हूँ कि अपोजिशन जो है वो जो ये रैलीज कर रही है उसकी वजह से तो ये सारी एक्टिविटी दोबारा रीजनरेट नहीं हुई है, ये ब्लेम फिर किसी और जगह जाएगा। अगर ये मैं मान लूं कि अपोजिशन की रैलीज की वजह से ये टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, भाई साहब वी नीड टू बी ऑन द सेम पेज, मतलब हमें किसी नेशनल डायलॉग की जरूरत नहीं? आप इस वक्त जो मुल्की मारूजी हालात हैं किसी नेशनल डायलॉग का तकाजा नहीं कर रहे? देखें, हमने दो तीन यानी क्या नाहली कह सकता हूँ मैं इसको, नेशनल एक्शन प्लान जो आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हुआ सर, एपेक्स कमेटियां बनी, देखिए वो सब कुछ हुआ लेकिन सारे प्रोविंसेस ने उसके अंदर बहुत पुअर रिस्पॉन्स दिया। फॉर टू ईयर्स कुछ हुआ ही नहीं, जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कमेटियां बनी थी वो इजलास नहीं हुए उनके, लिहाजा जो कुछ आपकी मुसल्ला अफवाज ने आपको करके दिया था उसको कैरी फॉरवर्ड किया ही नहीं सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन ने। मैं सिर्फ इमरान खान को नहीं, मैं पिछली हुकूमत को भी ब्लेम करता हूँ उनकी उस नाअहली की वजह से, जो आपने नेशनल एक्शन प्लान को ना एक्टिवेट किया, ना उसको मटीरियलाइज किया, ना उसके ऊपर अमल किया। तो ये जो कुव्वतें थीं, जो स्लीपर सेल जिसका आप हवाला दे रहे थे अपनी गुफ्तगू में, वो फिर पनपी हैं, बेपनाह ऑपरेशंस होते रहे हैं साथ साथ, लेकिन वो एलिमेंट्स अभी कहीं गए नहीं हैं। ये दो तीन तरह के लोग हैं, एक वो जो जहादी आउटफिट्स हमारे यहाँ हुआ करती थी कश्मीर कॉज के हवाले से, वो फिर अफगान जहाद में शामिल हो गई और अफगान जहाद के बाद वो अचानक जो है टेररिस्ट बन गए सारे, अगर आपको याद हो। बहुत सारी आउटफिट्स को बैन भी किया हमने फैक्ट के मामले के ऊपर, करेक्ट। वो हमें सिर्फ आंखें अपनी खुली रखनी है, एक लिहाज से इसको फेलियर करार देता हूं कि आपके पास थ्रेट तो आ गया कि जनाब ये कुछ ना कुछ होने वाला है, आपने किया क्या उस थ्रेट को प्रिवेंट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए? सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर, आपने देखा कि कोयटा के अंदर थ्रेट हुआ लेकिन ऑपोजिशन तो जलसे से नहीं रुकी,
पेशावर में फिर जलसा होने जा रहा है और वहां पर अभी भी थ्रेट्स हैं। आपके मुल्क के बड़े शहरों के अंदर थ्रेट अलर्ट्स आ रहे हैं। ऑपोजिशन कितना रुक रहा है? आपने कल असेंबली के अंदर जो है ऑपोजिशन और हुकूमत का रवैया देखा, शामिद कुरैशी साहब क्या कह रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे थे, आपको नहीं लगता कि सर हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उसको एक टेबल पर बैठना चाहिए और मिलकर मुजाकरात के जरिए मामला को डिफ्यूज करने की तरफ जाना चाहिए? लेकिन हम कैसे जाएंगे? स्ट्रॉन्ग मैसेज दे। बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, आपकी बात बहुत मुनासिब है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार ना हो, जो उनके साथ स्पीकिंग टर्म पर ना हो, जो जितने अहम मौजूदात हुए हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की एनेक्सेशन थी या चाहे वो सिक्योरिटी के जब ये इन्फिल्ट्रेट किया था इंडिया ने, जो जहाज़ उसके आए थे, जो मार गिराए थे हमने, उसकी सिचुएशन के ऊपर हो, हर जगह से प्राइम मिनिस्टर गायब है। खान साहब डायलॉग नहीं करेंगे तो डायलॉग कौन करेगा सर? दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम। आज भी इन 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 जलसों को अवॉइड करने का एक ही तरीका था कि आप एंगेज करते अपोजिशन को कि आइए लेट अस टॉक। वो तो अपोजिशन को एंगेज करने के मूड में नहीं है, तो अपोजिशन को एंगेज कौन करेगा? बुखार साहब मेरा बड़ा सादा सा सवाल। देखिए वो तो फिर बड़ी बदकिस्मत सूरत हाल की तरफ जाएगी बात, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं करना जिस तरह अब तक आर्मी चीफ कर रहे हैं, चाहे वो यानी सिक्योरिटी इशूज़ हों, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो बाहर के ममालिक से ताल्लुकात हों, चाहे सी पैक को बचाने के लिए आर्मी चीफ को चाइना जाके यकीन दहानी करानी पड़े, खुद गारंटी करनी पड़े, तो उनके बिहाफ पे वो कर तो रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन कब तक करेंगे? किसी जगह पे हलकों में ये बहस जारी है कि ऑपोजिशन को एंगेज किया जा रहा है, ऑपोजिशन के कुछ लोग जाके मुक्तदर हलकों से मिल भी रहे हैं, पावर ब्रोकर्स के साथ मुजाकरात भी हो रहे हैं, इज इट ट्रू? जो कोशिशें हुई थी उसका मजाक उड़ाया गया, तो वो एक कोशिश तो थी, लेकिन आप देख लीजिए पीटीआई के हमारे दोस्तों ने, स्पोक्समैन जो है उनके, जो पूरी फौज जफर मौज है, उन्होंने क्या तमाशा बनाया उसका। तो इनिशिएटिव जब इस तरीके से पब्लिक में जलील होने लग जाएंगे, वो बातें जो कभी पब्लिक में आनी नहीं चाहिए, ये हमेशा हुआ है। कौन नहीं मिला? खान साहब नहीं मिले आर्मी चीफ से पिछले से? खान साहब इसके बड़े सीरियस इंप्लिकेशंस देयर आर। आपका कंसर्न देख के मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि ये जो नॉन कमिटेड एटीट्यूड है, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो हुकूमत है, इससे तबाही हो रही है। ये जो दो ऊपर नीचे के वाकयात है, एक वक्त एक हफ्ते में दो टेररिस्ट एक्टिविटीज, अलार्मिंग। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीरियस साफी तजियाकार सलीम बुखारी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगु आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि महंगाई के बहरान का असल हदफ कौन है, इस मामले को उठाएंगे और फिर काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त मुल्क में महंगाई से आवाम का बुरा हाल है। आटा, चीनी, घी, गोश्त, अंडे और सब्जियां सब महंगी हो गई हैं। अब यही नहीं है बल्कि दालें के दाले भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी हैं। कोयटा में रोटी की कीमत में इजाफे के लिए नान भाइयों की हड़ताल जारी है। नान भाइयों का कहना है कि एक रोटी 30 रुपए की जाए। आज भी वजीर आजम इमरान खान की जेरे सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में अराकीन मुल्क में महंगाई पर फट पड़े। काबीना इजलास में तमाम वज़रा ने महंगाई पर बात की है और 2.5 घंटे तक काबीना इजलास में सिर्फ महंगाई के जिनको काबू करने के इकदाम पर बहस हुई है। इजलास में काबीना अराकीन का कहना था कि उनके हल्के की आवाम महंगाई का रोना रोते हैं। वफाकी वज़रा परवेज खटक, मुराद सईद, फैसल वाडा और नदीम अफजल चंद ने महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम पर जोर दिया। वफाकी वजीर दफा परवेज खटक का कहना था कि महंगाई पर काबू पाने में ब्यूरोक्रेसी की नाकामी है, बरवक्त इकदाम क्यों नहीं उठाए गए। वजीर आबी वसाइल फैसल वाडा का कहना था कि ब्यूरोक्रेट्स के रवायती हथकंडे बेनकाब होने चाहिए। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने काबीना को यकीन दहानी कराई कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि वो महंगाई कंट्रोल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। गंदम और चीनी की दरामद से कीमतों में कमी आई है, अशिया की वाफर मकदार में मौजूदगी से महंगाई में मजीद कमी आएगी। दूसरी जानब पोजीशन रहनुमा भी महंगाई के मामले में हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस तमाम तर मामले में विफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी तो हमने आपके सामने रखी है। ऑपोजिशन रहनुमा किस तरह हुकूमती पॉलिसियों को हदफ तनकीद बनाते हैं, जरा उसकी एक झलक भी देख लीजिए। इस मुल्क के अवाम के मौशी हकूक के लिए जदोजहद कर रही हैं, इस मुल्क से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत जो इमरान खान की नालायकी और नाअहली की वजह से मुसलत हुई है उसे दूर करने के लिए कोशिश कर रही हैं। बहरानी कैफियत चीनी की बनी, बहरानी कैफियत अब आटे की बनी है। कमीशन्स बने, क्या हुआ, आराम से जिनके नाम है उनकी कुर्सियां बदली काबीना में और बाहर चले गए, आराम से बाहर चले गए। अब कतर नजर इस तमाम तर मामले से हुकूमत की पॉलिसियों के बाइस मुल्क में गंदम की किल्लत बहरानी सूरत हाल इख्तियार कर रही है। हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपए फी मन मुकर्रर की है, जबकि आलमी मंडी में ये कीमत 2000 रुपए फी मन है। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की बात की जाए तो यहाँ गंदम की इमदादी कीमत यानी सपोर्ट प्राइस 1750 रुपए है।
पंजाब हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने पर बगले तो बजा रही है, मगर स्पीकर सूबाई असेंबली चौधरी परवेज इलाही इस मामले पर खासे नाखुश दिखाई दे रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने गंदम की इमदादी कीमत से मुतालिक हुकूमती फैसले को किसानों के साथ मजाक के मुतरादिफ करार दिया है। अपने एक बयान में चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि गंदम की फी बन इमदादी कीमत में सिर्फ 200 रुपए बढ़ाकर किसानों का मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि गंदम की फी बन जो कीमत है वो कम से कम 2000 रुपए मुकर्रर की जाए। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि 80% किसान वो तबका है जो मुल्क को गजाई अशिया फराम करता है। उन्होंने ये भी वाजे किया कि किसान को रिलीफ नहीं मिला तो वो गंदम की बजाय दूसरी फसल काश्त करने पर मजबूर होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि मुल्क में गंदम का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि किसान हुकूमत की जानिब से इमदादी कीमत में इजाफे पर नाखुश क्यों हैं? गंदम बहरान पर काबू पाने के लिए कौन से ऑप्शंस हैं जो जेरे गौर हैं? क्या अगले चंद सालों में मुल्क में गंदम बहरान में इजाफे के खदशात हैं? तो सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। आज वजीर आजम ने फिर अपनी काबीना से मुखातिब होकर कहा है कि महंगाई के खात्मे तक चैन से नहीं बैठूंगा। नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के पास, खुद वजीर आजम के पास महंगाई का जिन बोतल में बंद करने के लिए वो कौन सा फॉर्मूला है, क्या हल है, क्या ऑप्शन मौजूद है हुकूमत के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहुल देखे, महंगाई एक ऐसा एलिमेंट है जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं। गवर्नमेंट ने हर वो हल इसे इंप्लीमेंट करना है जिससे अवामुनास की जिंदगी में बेहतरी आ सके। बहुत सारी जगहों पर कुछ चीजों के इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने से महंगाई बढ़ी, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमने वॉच किया, हमारे पास इसके सबूत है कि वो महंगाई खुद साख्ता महंगाई है। पंजाब का मैं आपको अर्ज कर दूं, लेकिन नदीम कुरैशी साहब, आवाम को सबूत तो नहीं चाहिए? आवाम को तो अर्जा नरखों के ऊपर अशिया चाहिए हैं, उन्हें तो सस्ती चीनी चाहिए, सस्ता आटा चाहिए, उन्हें तो सबूत नहीं चाहिए ना, उन्हें ये चाहिए कि आप माफिया के खिलाफ क्या कर रहे हैं, माफिया के गिर शिकंजा कितना मजबूत हो गया है। आम आदमी तो सिर्फ रोटी चाहता है। नदीम कुरैशी साहब, मैंने सबूत से मुराद अर्ज ये चीज थी कि हमने उन चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया जो इस महंगाई में इजाफे का बाइस। चलिए मुझे बताइए कि फिर नंबर वन चीज क्या है जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है? सर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमारे पास जो चीजें जो रोजमर्रा की अशिया है, जैसे शुगर का रेट बढ़ा, आटे का रेट बढ़ा, उसकी वजह से ये पूरे मार्केट में पैनिक क्रिएट। अच्छा, क्या आपने ये जानने की कोशिश की नदीम कुरैशी साहब कि आटे का रेट क्यों बढ़ा? पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए आसान रहे ना सर, आटे पे आते हैं, आटे का रेट क्यों बढ़ा सर? आपके आपके व्यूअर्स के लिए भी और आपके लिए भी सादा सा सवाल है सर। सरदार उस्मान बुज़दार साहब की जो गवर्नमेंट है पंजाब में, जो सब्सिडाइज रेट पर गंदम की फरहमी फ्लोर बिल्स को की जानी चाहिए थी, आज भी जिस आज हम 27 अक्टूबर को बैठे हैं, आज भी तमाम पंजाबी फ्लोर बिल्स को उनका डिसाइडेड कोटा फराहम किया जा रहा है। असल में प्रॉब्लम ये आती है कि जब एक पूरी चीजों पूरे माहौल पर डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है तो उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे शामिल हो जाते हैं। पंजाब में सहूलत बाजार 31 सहूलत बाजार। उससे पहले आटे वाली बात कंप्लीट कर लेना, आप कह रहे हैं कि फ्लोर मिल्स को सब्सिडाइज रेट के ऊपर आटा मिल रहा है। मसला फ्लोर मिल्स नहीं है सर, मसला किसान है। क्या किसान से जिन जो है वो रेट्स के ऊपर गंदम उठाई जानी चाहिए, क्या वो रेट किसान को दे रहे हैं आप? देखिए, अब आपने मेरी बात अगर मुकम्मल होने देंगे तो आंसर बिल्कुल क्लियर भी आएगा, आपको भी समझ आएगा। आप ये ना कहिएगा कि हमने 200 रुपए सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी, क्योंकि उस पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही साहब, उन्होंने वाजे तौर पर कह दिया कि किसान का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। सर अगर ये जवाब है तो उसका मैं फिर क्लियर कर दूं सर। अब सुन लेना जी, इस वक्त वीट की क्रॉप किसान के पास नहीं है। वीट की क्रॉप आके 2 माह पहले आई, किसान ने वो क्रॉप सेल कर दी। हमारे पास जितनी भी अब जो वीट है, या वो गवर्नमेंट के पास है, या वो थर्ड पार्टी के पास है, या फ्लोर मिल्स के पास है, ये जो वीट की सपोर्टिंग प्राइस होती है ये फॉर द नेक्स्ट ईयर है। इस साल मैं आपको एक अर्ज कर दूं, आप पाकिस्तान में ग्रेजुअली वीट की क्रॉप पिछले कई सालों से कम हो रही है, और लास्ट ईयर भी हमारा जो नेशनल टारगेट था, जो क्रॉपिंग का जो यील्ड का टारगेट था, पैदावार का टारगेट था, वो पूरा नहीं हो सका था। अब गवर्नमेंट ने जो मैकेनिज्म बनाया है, वो मैकेनिज्म ये है आटे के हवाले से, एक तो किसी भी सूरत जो फ्लोर मिल्स है उनको जो सब्सिडाइज रेट पर गंदम फराहम की जा रही है उसको इंश्योर किया जा रहा है कि वो आटा पिसाई होकर पब्लिक तक। देखिए ना नदीम कुरैशी साहब, आप ये कह रहे हैं कि हमारा क्रॉप साइज उतना नहीं था जितना होना चाहिए था, लेकिन ये तो बिल्कुल हकाइक के बरक्स है ना सर। क्रॉप साइज तो हमारा बिल्कुल ठीक था, मिसमैनेजमेंट थी हुकूमत की, आपसे गंदम मैनेज नहीं हुई सर। पहले मेरे सवाल का जवाब मुकम्मल होने दें आप प्लीज, ये हमारी और पूरी आवाम की हेल्प होगी। एक तो हमने पंजाब भर में टूल फ्री नंबर दे दिए,
हम ट्रकिंग पॉइंट बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट भर में, हम सूरत बाजार बना रहे हैं, वहां पर जब सब्सिडाइज रेट पर गंदुम आटा मिलेगा लोगों को 860 रुपए जो 20 केजी का निर्ख है, और 420 रुपए या 410 रुपए गालबन जो 10 केजी का रेट है, जब उस पर आटा मिलेगा बाबू नाज को, आज पंजाब की आटा होगा तो आवाम को मिलेगा ना, आटा अवेलेबल है, आटा होगा तो आवाम को मिलेगा ना दीदी कुरेश साहब, आटा तो हमने इंपोर्ट करना था, आप भूल गए कि 15 मैं आपसे कर्ज कर दूं, अगर हमने इसी तरह से चीजों को आगे बढ़ाया तो हम पैनिक क्रिएट करने में अपना रोल प्ले कर रहे होंगे, आपके बड़े व्यूअर्स हैं, मैं आपकी 16 बयानी का मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं नहीं, आपको मैं तो बड़ी सादा सी बात कर रहा हूं कुरेश साहब, आपको याद होगा कितनी गंदम इम्पोर्ट करने जा रहे हैं हम, आप जनूबी पंजाब में बैठकर पंजाब जो वाफर मकदार के अंदर गंदम प्रोड्यूस करता है, क्या ये भाई से शर्म नहीं है कि आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं और क्यों करना पड़ रहा है भाई? आज से आप सिर्फ 30 साल पहले चले जाए, पाकिस्तान को वीट अमेरिकन और इंटरनेशनल एड की सूरत में मिला करती थी, हमारी एग्रीकल्चर कब हमारी तरजीह रही है, कौन सी हुकूमत ने एग्रीकल्चर को अपनी बैक बोन बनाया है, ये बड़ी लंबी कहानी है, ये दो चार छह माह की बात नहीं है, हमारी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दानिस्ता शुगर इंडस्ट्री कॉटन जून में लगाकर तबाह कर दिया गया है, यहाँ तो लोगों ने वो क्राइम किए, अगर हम इन जराइम पर सजा देनी शुरू कर दें या जेलें, आप तो अपनी कारकर्दगी पर आंसरेबल है ना सर, आप अपनी बात करें ना सर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आंसरेबल है ना, आपने मेरी बात अगर मुकम्मल होने दें, आम आदमी का बड़ा फायदा है इसमें, सबसे पहले हम आटे की बात करते हैं, आटा अब चौकों पर हमने हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ पॉइंट बना दिए हैं, ट्रकिंग पॉइंट बना दिए हैं, सरकारी रेट पर आटा फराहम होगा, सहूलत बाजार लगा दिए हैं जहां आम आदमी की जरूरत की तमाम अशिया के रेट फिक्स कर दिए गए हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन बोर्ड कर दिया गया है, तमाम मिनिस्टर्स को डिस्ट्रिक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, किसी सूरत ओवर रेटिंग करने वाले को, जखीरांदोजी करने वाले को, महंगाई करने वाले को हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत नहीं, उम्मीद है कि आप उससे ये भी पूछेंगे कि उसको आटा किस रेट पर मिल रहा है सर, आप ये भी पूछेंगे कि वो किस रेट पर आटा दे रहा है और किस रेट पर आप आवाम को आटा देने के लिए उससे मुतालबा कर रहे हैं, ये भी पूछेंगे आप, हुजूर वाला आप ध्यान में रखिएगा, हमने चीजों को रैशनलाइज करना है, हमने हकीकत पसंदी के मुताबिक चलना है, मैं खुद अपने डिस्ट्रिक्ट में मुझे जिम्मेदारी दी है, हमने उन तमाम चीजों को ग्रेन एंड वेजिटेबल मार्केट है, हमने वहां के रेट लिए, थोक के होलसेल के रेट लिए और रिटेलर के रेट लिए और उन्हीं रेट पर लोगों को कायल किया, ये नहीं है कि किसी की परचेज 100 रुपीज की है हम उसे कहेंगे आप 80 रुपीज में सेल करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि क्या मुल्क में दोबारा लॉकडाउन लग सकता है, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक, वही हुआ जिसका खदशा था, मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का आगाज हो चुका है, मुआविन खुसूसी बराए सैयद डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार किया कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर बतदरीज शुरू हो चुकी है, उन्होंने बताया कि कोरोना से अमवात में भी इजाफा हो रहा है जबकि कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह अब 2.5 से 3.25% तक पहुंच चुकी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक कोरोना वबा की दूसरी लहर की वजह से पाबंदियों को सख्त करना नागुजीर होता चला जा रहा है, कारोबारी सरगर्मी और तकरीबात के औकात कार में कमी के लिए मुशावरत जारी है, उन्होंने कहा कि अगले 1-2 रोज में वाजे सिफारिशात सामने आ जाएंगी, अब सुबह से मुशावरत के बाद सिफारिशात सामने लाएंगे। इस हवाले से वजीर आजम के मामले खसूसी बराए सैयद डॉक्टर फैसल सुल्तान क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपको दिखा। पाकिस्तान में इस वायरस की दूसरी लहर बतदरीज शुरू हो चुकी है, हर रोज अपने अदाद व शुमार को देखते हैं तो ये चीज़ वाजे हो रही है कि रोज़ाना के जो केसेज हैं दिन में 400-500 के करीब नए केसेस होते थे, इस वक्त इनकी तादाद हर रोज़ 700-750 इस रेंज में आ चुकी है, इसके अलावा अमवात जो कोरोना के ज़रिए हो रही हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। एक और शरह जो हम देखते हैं जिसको हम परसेंटेज पॉजिटिविटी बोलते हैं, यानी हर 100 टेस्टों में से कितने टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, वो भी बहुत कई हफ्ते 2% से कम वो शरह चलती रही और अब बतदरीज उसमें इजाफा हुआ है और अब वो 2.5-3% के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस के वार एक बार फिर तेज हो चुके हैं, वायरस के हमलों में बतदरीज इजाफा हो रहा है, तालीमी इदारे खुलने, मार्केट्स और तकारीब में SOPs के खिलाफ वर्जी के बायस वायरस की दूसरी लहर वक्त से पहले आ गई है। आदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर 10 साल तक की उम्र के बच्चों की तादाद 11,035 है जबकि 11 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चों और नौजवानों की तादाद 24,755 है।
माहिरीन सेहत खबरदार कर रहे हैं कि अगर बच्चे कोरोना वायरस से इसमें कम मुतासर होते हैं, अगरचे उनकी तादाद कम है, मगर ये वायरस फैलाने का जरिया बन सकते हैं, कैरियर्स जरूर हो सकता है। अब जरूरत इस सब्र की है कि SOPs की पाबंदी की जाए और बिलखसूस तालीमी इदारों के अंदर वायरस को फैलने से रोका जाए, ताकि हुकूमत पाबंदियां लगाने पर मजबूर ना हो, क्योंकि इस वायरस से निजात का वाहिद हल, वाहिद तरीका एहतियात ही है। एहतियात कीजिए, महफूज रहिए। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि आज इस्लामाबाद की अहम इमारतें तारीख क्यों हुई, तारीखी में क्यों डूबी रही इस्लामाबाद की अहम इमारतें, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। 27 अक्टूबर 1947 रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का वो स्याह दिन था जब भारतीय फौज के सिख रेजिमेंट का पहला दस्ता पैराशूट के जरिए श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरा था। उस दिन कश्मीरी मुसलमानों को ऐसी बेड़ियों में जकड़ दिया गया जो आज 73 बरस गुजरने के बावजूद खोली नहीं जा सकी। आज भी कश्मीरी लाइन ऑफ कंट्रोल की दोनों जानब अपने प्यारों को मिलने के लिए तड़प रहे हैं। आज भी मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, उड़ी, पुंछ, शाहरा और जम्मू से सियालकोट जाने वाली सड़कों पर उदासियों का सा बसेरा है। आज 73 साल के गुजरने के बाद भी दरियाए नीलम और जेहलम के पानियों में कश्मीरी नौजवानों का खून बह रहा है। आज ग्लोबल विलेज के दौर में कश्मीरियों को टेलीफोन सर्विस तक मैसर नहीं है। आज भी भारत RSS के नजरियात तले दबी हुई फासिस्ट रियासत बना हुआ है, जहां नरेंद्र मोदी हिटलर का किरदार अदा करते हुए कश्मीरी मुसलमानों के खून से होली खेल रहा है। गुज़श्ता 73 बरसों से पाकिस्तान कश्मीरियों का वकील बनकर हर आलमी फोरम पर उनका मुकदमा लड़ रहा है, जबकि हर मौके पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जाता है। आज भी जब भारतीय कब्जे के 73 साल मुकम्मल होने पर सारी कश्मीरी कौम यौम स्याह मना रही है, तो पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद शाराए दस्तूर पर 5 मिनट का अलामती ब्लैकआउट किया। 7:05 पर शुरू होने वाले इस सलामती ब्लैकआउट में शाराए दस्तूर पर तमाम रोशनियों, स्ट्रीट लाइट्स और सरकारी इमारात पर अंधेरा कर दिया गया। जिन इमारतों में ब्लैकआउट किया गया उनमें पाक सेक्रेटेरिएट, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट, ऐवान सदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वफाकी शरई अदालत, वफाकी मोहतसब, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और दफ्तर खारजा समेत तमाम अहम सरकारी इमारात शामिल थी। अलावती ब्लैकआउट 5 मिनट तक जारी रहा, जिसका मकसद भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों, मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इकदाम की मजम्मत और कश्मीर की मजलूम और निहत्ते शहरियों के साथ भरपूर इजहार यकजहती करना था। दूसरी जानब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर की तायद करते हुए उनका साथ देने के अज़्म का इजहार किया। हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया और जो कश्मीरियों का हक था कि उन्होंने फैसला करना था अपने मुस्तकबिल के ऊपर, जिसको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं, उनसे हक ले लिया गया। 2019 5 अगस्त को एक नई जुल्म की दास्तान शुरू हो गई और वो ये थी कि हिंदुस्तान ने अपनी 9 लाख फौज से 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर एक मिलिट्री सीज कर दी। ये जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये जब तक कश्मीरी कौम को नहीं मिलेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं मुसलसल इनके लिए जद्दोजहद करूँगा, इंटरनेशनली करूँगा, लोकली करूँगा, हेड्स ऑफ स्टेट से बात करूँगा, इंटरनेशनल मीडिया से बात करूँगा, एक मुसलसल दुनिया को याद कराऊँगा कि कश्मीरी कौम के ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। आज कश्मीर पर भारतीय कब्जे को 73 साल बीत चुके हैं, लेकिन कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी आज तक सर्द नहीं हो सका है। भारतीय अफवाज ने आज तक 12,000 कश्मीरी खवातीन की इस्मत दरी की है, 15,000 के करीब नौजवान बच्चे और बूढ़े गायब हैं जिन्हें मार दिया गया या वो आज भी भारतीय हुकूमत खानों में कैद हैं। हर कश्मीरी की शहादत के बाद कश्मीर में भारत से आज़ादी का जज्बा मजीद तकवीत पाता है, वैसे एक रोज ज़रूर आज़ादी का सूरज तुलू होते देखेंगे। इस उम्मीद और इस यकीन के साथ ये तो आज का दस्तक, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।